नमस्कार इंडिया टॉप न्यूज में आपका स्वागत है। ब्रेकिंग न्यूज बलिया, आत्महत्या करने वाले व्यक्ति का विपक्ष पार्टी ने लगाया आरोप। बलिया, पिछले 3 नवंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के जनपद के बांसडीह तहसील क्षेत्र में आगमन के समय आत्मदाह करने का प्रयास करने और अमिताभ श्रीवास्तव व इनके भाइयों पर अपने जमीन पर जबरिया कब्जा का आरोप लगाने वाले व्यक्ति शैलेंद्र कुमार ही कटघरे में खड़े दिख रहे हैं। रोज रोज शैलेंद्र कुमार के परिजनों द्वारा अनर्गल आरोप लगाकर भूमाफिया साबित करने का प्रयास हुआ। अमिताभ श्रीवास्तव पुत्र स्व श्रीराम हरिजी निवासी तिखमपुर थाना कोतवाली जनपद बलिया ने मीडिया से बातचीत में कहा कि पिछले 3 नवंबर 2023 को माननीय मुख्यमंत्री जी के बांसडीह आगमन के समय शैलेंद्र कुमार पुत्र स्व शून्य मोहन प्रसाद हालमु शून्य तिखमपुर मूल निवासी ताजपुर डहमा जनपद गाजीपुर द्वारा स्वयं को आग लगा लिया गया था, जिसका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। इस घटना के बाद से शैलेंद्र कुमार व इनका पूरा परिवार मेरे परिवार और मेरी सामाजिक छवि को प्रतिदिन धूमिल करते जा रहे हैं। इन लोगों द्वारा प्रतिदिन लगाए जा रहे अनर्गल आरोपों से मैं और मेरा पूरा परिवार मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहा है। ऐसे में मुझे मजबूरन शैलेंद्र कुमार और इनके पूरे परिवार की तरफ से लगाए जा रहे गलत और बेबुनियाद आरोपों का जवाब मीडिया के माध्यम से देने के लिए बाध्य होना पड़ा है, जबकि यह प्रकरण माननीय न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन बलिया के यहाँ लंबित है, जो जिरह के स्तर पर चल रहा है। पहले काफी बवाल करते रहे जब से मुकदमा संस्थापित हुआ, अब फिर ज्यादा इन्होंने अब लास्ट में जिरह के स्तर पे आ गया है। जिरह के स्तर पे आने के बाद 4/11/23 को जिरह फिर होनी थी, दो बार मेरी जिरह हो चुकी थी। अब ये क्यों इतना परिवार द्वारा एक गलत आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने जबरिया मेरे अकाउंट पर पैसा दे दिया और ये भू माफिया है। तो मैं ये बताना चाहूँगा कि मेरी पुश्तैनी वहाँ जमीन है, सैकड़ों वर्ष पुरानी, और शैलेंद्र कुमार जी मेरे पास आए कि मुझे ये जमीन बेचनी है, तो हम लोगों ने शहर स्वीकार किया और उनको पैसा हम लोगों ने इस प्रकार दिया है। हाँ, हमने 17,25,000 रुपया उनको दिया है। कितने में सौदा तय हुआ था? 19 लाख रुपए में। पैसे कब दिए गए? जी, पैसे कब दिए गए? पैसा तो उनको पहली बार मैं दिया था 14/25/19 को। रजिस्ट्री हो गई क्या? नहीं, रजिस्ट्री नहीं हुई। ये 12/1/21 को लास्ट में जब पैसा ले लिया है तो इन्होंने कहा मुझसे कि मैं कल रजिस्ट्री कर दूंगा। तो खैर, उन कहने के बाद इसके बाद ये लगातार टाल मटोल करते रहे। टाल मटोल करते करते 1,75,000 रुपया उनकी मैंने रख लिया। वो कहे कि रजिस्ट्री के समय हमको दे दीजिएगा उस दिन। इसके बाद टाल मटोल करते रहे। टाल मटोल करते करते इसके बाद हम लोगों ने लीगल नोटिस दिया। लीगल नोटिस देने के बाद फिर मैं 24/6/21 को सीनियर डिवीजन बलिया के हैं मुकदमा इसका दायर किया। 17,25,000 आप कितनी बार में दिए हैं? कई बार में दिए हैं। कितनी बार में? डेट वो बताएं। पहली किस्त जो 2 लाख दिया गया है वो 5 किस्तों में दिया गया है। 5 किस्तों में दिया गया है। और अब कितने साल में 17 लाख रुपया उनको दिए हैं? ये 19 से ही लेना स्टार्ट किए थे, 25 जनवरी 19 से, और ये 12/1/21 तक ये ले चुके हैं 17,25,000 रुपया। लास्ट हाँ 12/1/21 को हमने लास्ट पैसा दिया। नगद दिए थे कि खाते में? खाते में, भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा तिखमपुर। किसके नाम से खाता था जिसमें ट्रांसफर हुआ? शैलेंद्र कुमार जी के नाम से। जी जी, लेकिन नहीं नहीं, उसके लिए आबादी लैंड है, वो पहले से ही दर्ज है आबादी लैंड में, तो आबादी लैंड के लिए वो नहीं लेना है। नहीं, परमिशन नहीं लेना है इस वजह से ही। तो अब क्या हो गया? कौन रास्ते का कैसा विवाद हो रहा है? रास्ते का विवाद नहीं है। दरअसल इस मामले में उनको रजिस्ट्री न करने की इच्छा की वजह से अब देख रहे हैं कि उकसाया गया। नहीं, वो मेरी अपनी जमीन है। इनके भाइयों से आगे मैं बता दे रहा है। इसके बाद इनके भाई हमसे फरवरी के महीने में लोग संपर्क किए लाए तो भाई हमको भी बेचना है। इनके बड़े भाई संतोष कुमार, इनके बड़े भाई स्वर्गीय युगल किशोर के लड़के हैं अजय और विजय। तो हमने कहा ठीक है, तो इनकी जमीन हमने रजिस्ट्री करा ली। और ये चूंकि जमीन इन लोगों की रजिस्ट्री मैंने इसलिए कराई कि ये ठीक मेरे पैतृक जमीन से सटे हुए हैं।
जमीन सटे हुए के कारण मैंने रजिस्ट्री कराई और कीट हमारी जमीन में था, हमने अपनी जमीन से कीट निकलवाया है। लेकिन मकान आरोप है उनका कि 12 लाख रुपया मुझसे लिए हैं और इसकी शिकायत तो मुख्यमंत्री पोर्टल से लेकर वो दूसरा मामला है, दूसरा मामला है उनका। एलिगेशन है कि आपने वहां से गेट उखाड़ा चुरा लिया। मैं चुराऊंगा क्यों, मेरी चीज है, मैंने अपना ये किया निकलवाया है, अब वो सारी चीजें निराधार है। किस बात का जिक्र हुआ है? नहीं नहीं, तो अब हम बता दे रहे हैं, उसमें एडिशनल एसपी साहब ने जांच किया मौके का, उसमें लिखा अपने जांच में लिखा है कि इसको किसकी जमीन नवयत है, तो दोनों जमीनें हमारी सटी हुई हैं पैतृक, वो सारी चीजें इनकी कहीं वहां जमीन नहीं है, हम बिल्कुल निराधार है। आप क्या चाहते हैं? हम माननीय मुख्यमंत्री जी और जिला प्रशासन से, श्रद्धेय मुख्यमंत्री जी से मैं अपील करना चाहूंगा कि मुझे न्याय दिया जाए। आखिर जब आपकी जमीन थी, गेट आपका था, पैसे वह ले चुका था, फिर भी इस स्थिति में वो सुसाइड करने की स्थिति में क्यों पहुंचा? क्या इतनी मतलब कि स्थिति बन सकती है, कोई आदमी मौत को गले लगा सकता है आसानी से? नहीं, अब जो मन रहा होगा रहा होगा, लेकिन उनको प्रायोजित करा दिया गया, ये मैं पहले भी कह चुका हूँ और आज भी कह रहा हूँ, प्रायोजित कराया गया है। नहीं, कभी कभी स्थितियां ऐसी होती हैं कि आदमी कोई प्रायोजित कर देता है, कोई उत्साह देता है, कोई चीजें ऐसी कर देता है, तो आदमी उस स्तर तक आ जाता है। एक क्वेश्चन है, जिस जमीन को लेके विवाद हुआ, उनका कहना ये है कि टोटल जो जमीन है वो 6 या 7 कट्ठा, जिसमें आपने सिर्फ 1 या 1.5 कट्ठा ही रजिस्ट्री कराया, बाकी जमीनों को आप खरीदना चाहते हैं। मैं गलत आरोप है, उनकी 1 कट्ठा जमीन 1372 वर्ग फीट वो मैंने मुआयदा कराया है, बाकी उसके बगल में उनके भाई संतोष कुमार और युगल, स्वर्गीय युगल किशोर जी के लड़के अजय और विजय से मैंने रजिस्ट्री करा लिया है, दाखिल खारिज हो गया है, सारी प्रक्रिया हो चुकी है, सारा चीज़ मैं कब्जे में हूँ, और चूंकि मैंने इसलिए सारी कार्य किए कि मेरी पुश्तैनी जमीन है और ये लोग आए मेरे पास, मैं सहर्ष स्वीकार किया।